नमस्ते, आज हम बात कर रहे हैं कैटोपिक क्रीम की। भाइयों, कीटोकोनाजोल क्रीम 2%, यह क्रीम फंगल इन्फेक्शन के अंदर काम आती है, अर्थात इसका मुख्यतः उपयोग फंगल इन्फेक्शन में ही होता है। यह 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम और 30 ग्राम की पैकेजिंग में उपलब्ध होती है। चलो भाइयों, आज हम बात करते हैं यह क्रीम कहाँ इस्तेमाल होती है, कैसे काम करती है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होता है। भाइयों, हम बात करते हैं पहले उन लक्षणों की जहाँ पर इस क्रीम का उपयोग किया जाता है। अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन हो रहा है या किसी के हाथ पैरों में संक्रमण है या योनि में संक्रमण है या जॉक इच अर्थात बोले तो खुजली की शिकायत है या रिंगवॉर्म बोले तो दांत की शिकायत है या किसी के सीने में या पेट में धुंधले धब्बे है, वहाँ पर आप कीटोकोनाजोल क्रीम का उपयोग कर सकते हो। हम जो क्रीम दिखा रहे हैं केटोपी, ये कीटोकोनाजोल 2% वेट बाई वेट का फॉर्मूलेशन है। अब ये काम कैसे करती है, ये फंगल इन्फेक्शन को रोकती है और उनको दोबारा होने से भी रोकती है। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट की। अगर आपके द्वारा यूज करने पर अगर त्वचा में खुजली चलती है तो आप इस क्रीम को रोक सकते हो। अगर बालों पर कोई इफ़ेक्ट दिखता है या बाल झड़ रहे हैं तो भी इस क्रीम को आप रोक सकते हो, या इसको लगाने के बाद अगर आपको जलन की समस्या उत्पन्न हो रही है तो आप इस क्रीम के साइड इफ़ेक्ट मान सकते हो। अब बात करते हैं ड्रग इंट्रैक्शन की। इस दवा को या इस क्रीम को आप अल्कोहल के साथ यूज़ नहीं कर सकते। कारबामेज़ेपिन आता है, उसके साथ यूज़ नहीं कर सकते। अब बात करते हैं सावधानी की। अगर एलर्जी हो अगर इस क्रीम से तो आप इस क्रीम को बंद कर दे या डॉक्टर की सलाह ले। जो लेडीज़ बच्चों के स्तनपान कराती है तो इस क्रीम को उपयोग में लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ले, या जो प्रेग्नेंट लेडीज है वो भी अगर इस क्रीम का उपयोग करती है तो पहले डॉक्टर की सलाह ले। अगर आप किसी विटामिन का यूज कर रहे हो तो भी डॉक्टर की सलाह ले और इसको अल्कोहल के साथ बिल्कुल भी यूज़ ना करें। ठीक है भाइयों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं। राम राम साहब।